रिसेंटली दुनिया के रिचेस्ट पर्सन और सेकंड रिचेस्ट पर्सन मिस्टर जेफ बेजोस और मिस्टर इलोन मस्क के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। यहाँ पर इलोन मस्क ने जेफ बेजोस को कॉपीकैट कह दिया है और यह भी कह दिया कि जेफ बेजोस ने अमेज़न से रिटायरमेंट इसलिए ली है क्योंकि वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं स्पेसएक्स पर लॉसूट्स ठोकने का। और इन पूरी चीज़ों के पीछे के जो रीजंस है ये बहुत ही शॉकिंग है, और ये सिर्फ मार्स तक लिमिटेड नहीं है, ये उससे भी बहुत आगे की कहानी है। ऐसा लगता है कि ये जो फाइट है ये रिसेंटली शुरू हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फाइट है ये दशकों से चल रही है, और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मिस्टर इलोन मस्क के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा है जो कि कोई मिलियन या बिलियन डॉलर आइडिया नहीं है, बल्कि एक ट्रिलियन डॉलर आइडिया है। और कई सारे बिलियनियर्स जैसे कि मिस्टर बेजोस को भी इसकी आइडिया हो चुकी है, और दिन ब दिन ये फाइट और भी इंटेंस होती जा रही है। तो पॉपकॉर्न लेकर तैयार रहिए और इस इंटरेस्टिंग केस स्टडी को एंजॉय कीजिए। इस पूरी चीज की शुरुआत हुई साल 2004 में, जब इलोन मस्क और जेफ बेजोस मिले थे, और उस मीटिंग में वो बात कर रहे थे रॉकेट आर्किटेक्चर्स के बारे में। उसी दौरान जेफ बेजोस ने इलोन मस्क को बताया कि वो कुछ रॉकेट आर्किटेक्चर्स पर काम कर रहे हैं। उस पर इलोन मस्क ने कहा कि इन चीजों पर तो हम पहले ही काम कर चुके हैं और ये कुछ डंप आइडियाज है जो काम नहीं करते, तो बेहतर है कि तुम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करो। लेकिन यहाँ पर जेफ बेजोस ने इलोन मस्क की नहीं सुनी, और ये चीज इलोन मस्क को सही नहीं लगी। अब जेफ बेजोस ने इलोन मस्क की इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो शुरुआत से ही फोकस करते आए हैं एक्सपेरिमेंटेशंस पर, और खुद चेक करना चाहते हैं कि वो चीज क्यों फेल हुई, और उस फेल्योर से सीखकर वो आगे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पर जेफ बेजोस पर ही आरोप है कि उन्होंने इलोन मस्क के आइडियाज को कॉपी किया है। इनफैक्ट इलोन मस्क ने उन्हें कॉपीकैट भी कह दिया है। तो सवाल आता है कि कितनी सच्चाई स्टेटमेंट के पीछे है, चलो उसे समझते हैं। स्पेस कंपनी शुरू करने का ख्याल जेफ बेजोस के मन में अब से नहीं बचपन से है। 1982 में जब वो ग्रेजुएट हुए तब अपने ग्रेजुएशन स्पीच में उन्होंने कहा कि उन्हें स्पेस में कॉलोनीज बनानी है मिलियंस एंड मिलियंस लोगों के लिए। फिर साल 1999 में उन्होंने और साइफाई ऑथर नील स्टीफनसन ने एक मूवी देखी जिसका नाम था अक्टूबर स्काई। ये मूवी नासा के इंजीनियर होमर हिकमैन के बारे में थी। ये मूवी देखने के बाद बेजोस ने स्टीफनसन से कहा कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो एक स्पेस कंपनी खोले। स्टीफनसन ने उस पर कहा कि क्यों ना तुम आज से ही इसकी शुरुआत करो। और फिर जेफ बेजोस ने स्टीफनसन को हायर करके साल 2000 में अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की शुरुआत की। जब मिस्टर बेजोस ने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन की स्थापना की तब अमेज़न आज की जितनी बड़ी कंपनी नहीं थी, और जेफ बेजोस भी आज के जितने रिच पर्सन नहीं थे। इनफैक्ट साल 2000 में जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया तब लोग उनके स्पेस के आइडिया पर हंसने लगे थे। I would like to go help explore space. Well, I, you know, the picture I have is that I would get in a rocket ship, go up into space and like, you know, go check out a few things. Now, this is why I mentioned at the beginning, this is a very hard technical problem. हालांकि ये चीज तो क्लियर है कि बेजोस शुरुआत से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड थे, लेकिन अगर आप उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन की रिसेंट डेवलपमेंट्स देखोगे तो उनमें से कई सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर स्पेसएक्स ऑलरेडी काम कर चुकी है या फिर काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे इस केस स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे उसकी क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। वही अगर हम मिस्टर इलोन मस्क की बात करते हैं तो शुरुआत से वो तीन चीजों पर काम करना चाहते थे, स्पेस, क्लीन एनर्जी और इंटरनेट। अपनी कंपनी जिप टू कॉम्पैक को $300 मिलियन में बेचने के बाद और उनकी दूसरी कंपनी X.com का जब पेपाल के साथ मर्जर हुआ और बाद में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया, और फिर उन पैसों से उन्होंने साल 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत की और कुछ पैसा टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया जो कि उनकी लीडिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। और फिर स्पेसएक्स का पहला सक्सेसफुल लॉन्च आया साल 2008 में, और वही ब्लू ओरिजिन का पहला सक्सेसफुल लॉन्च आया उसके 7 साल बाद यानी साल 2015 में। तो यहाँ पर शुरुआत में ही इलोन मस्क ने अच्छी खासी लीड ले ली। इन दोनों के बीच की फाइट साल 2013 से तेजी से बढ़ने लगी। तो सवाल आता है कि साल 2013 में ऐसा क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं वॉल्ट के बारे में। जब बात आती है इलोन मस्क की तो ऑफ कोर्स वहां पर बात आएगी क्रिप्टो करेंसीज की, डोजकॉइन, बिटकॉइन इनकी। तो फिर अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप वॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं और जिनकी वजह से आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। इलोन मस्क की पिछली कंपनी पेपाल में उनके को फाउंडर थे पीटर थिल, और पीटर थिल के ही वेंचर कैपिटल फर्म वैलार ने वॉल्ट में इन्वेस्ट किया है, तो काफ़ी ट्रस्टेड ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज तो बाय सेल कर ही सकते हो, बट उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर AIP दैट इज ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल कर सकते हो। AIP में आपको काफ़ी बड़ी बास्केट्स मिलती है अलग अलग क्रिप्टोज की, तो आप तो या तो कोई रेडीमेड बास्केट चूज कर सकते हो या फिर आपको जो चाहे
वो क्रिप्टो करेंसी आप कस्टम में सिलेक्ट कर सकते हो। AIP म्यूचुअल फंड के SIP की तरह ही होती है, जहां पर आपने डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड में आप कंटिन्यूअस बेसिस पर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि मंथली आपको 2000 या 5000 रुपए किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने हैं, तो उसका AIP आप स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही बाय द डीप का ऑप्शन भी आपको यहां पर मिलता है। यानी अगर मान लीजिए कि बिटकॉइन 5% से गिर जाता है, यानी आप चाहते हो कि जैसे ही बिटकॉइन 10% से गिर जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आप बाय द डीप का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर वॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट कीजिए। साल 2013 में स्पेसएक्स को नासा के लॉन्चपैड का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल गया, लेकिन इस चीज़ से ब्लू ओरिजिन खुश नहीं थी और उन्होंने इस पर तुरंत केस फाइल की। ब्लू ओरिजिन का इस पर यह कहना था कि ये जो कमर्शियल स्पेसपोर्ट है, ये सभी लॉन्च कंपनीज के लिए खुला कर देना चाहिए। जिस पर इलोन मस्क ने कहा कि ब्लू ओरिजिन अभी तक, यानी पिछले 10 सालों में, कोई रिलायबल सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट नहीं बना पाई है। अगर वो अगले 5 साल में बनाते हैं, तो हम खुशी खुशी ये स्पेस उनके साथ शेयर करेंगे। बाद में स्पेसएक्स ने ये केस जीत लिया और इस लॉन्च पैड का एक्सेस उन्हें मिल गया। साल 2014 से ये फाइट काफी तेजी से बढ़ने लगी। साल 2014 में ब्लू ओरिजिन ने ड्रोन शिप्स के लिए पेटेंट फाइल किया। ड्रोन शिप्स, जो कि रॉकेट बूस्टर्स के लैंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उसका पेटेंट मिला। इसका ही मतलब था कि ड्रोन शिप्स को यूज करने के लिए स्पेसएक्स को हर बार ब्लू ओरिजिन को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वो ओन करते हैं। लेकिन इस पर स्पेसएक्स का कहना था कि ये टेक्नोलॉजी कई दशकों से अवेलेबल है, और यहाँ पर फिर जज ने भी स्पेसएक्स के साइड को मानते हुए ब्लू ओरिजिन के उन पेटेंट्स को विड्रॉ कर लिया। और फिर साल 2015 से ये फाइट पब्लिक होने लगी। 2015 में ब्लू ओरिजिन का रॉकेट न्यू शेपर्ड सक्सेसफुली लैंड होने के बाद जेफ बेजोस ने कहा कि हमने दुनिया में पहली बार रीयूजेबल रॉकेट बनाया है। लेकिन इसी बात पर चुटकी लेते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि ये चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं, वो भी 3 साल पहले। फिर साल 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि स्पेसएक्स ने ब्लू ओरिजिन के ऊपर केस फाइल किया। अब रिसेंट टाइम की बात करते हैं। रिसेंटली नासा ने डिसाइड किया कि उनके कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मून पर, यानी चांद पर लेके जाते हैं, और उसके लिए उन्होंने $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को दिया है, ताकि वो एक अच्छा खासा मून लैंडर बनाए। हालांकि इस चीज़ के लिए कई सारी और स्पेस कंपनीज ने भी अप्लाई किया था, जैसे कि ब्लू ओरिजिन, लॉकहीड मार्टिन, ड्रैपर एटसेट्रा, लेकिन आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट मिला स्पेसएक्स को। लेकिन यहाँ पर ब्लू ओरिजिन को इस पूरी केस में आपत्ति थी। पहले 2-3 लॉसूट्स में फेल होने के बावजूद यहाँ पर ब्लू ओरिजिन ने एक और अपील की, और ये कंप्लेंट उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के पास की कि स्पेसएक्स के टेक्निकल डिटेल्स को देखते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट हमें सेफ नहीं लग रहा है, इसमें काफ़ी बड़ी रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन आखिरकार इस केस की डिसीजन भी नासा और स्पेसएक्स के फेवर में गई। रिसेंटली ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है, और उसके पीछे मेन रीज़न है इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस। हम सब सुनते आ रहे हैं कि इलॉन मस्क का ये प्लान है कि उनको सारे लोगों को मंगल यानी मार्स पर लेकर जाना है। लेकिन ये बस सिक्के का एक पहलू था। सिक्के का दूसरा पहलू है इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस। हम सब सोचते हैं कि जो भी इंटरनेट आज हम यूज़ कर रहे हैं वो सैटेलाइट से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो इंटरनेट आता है वो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से आता है। ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से ये इंटरनेट टावर्स तक आता है, और टावर से हमें वो वायरलेस मिलता है। कंट्री टू कंट्री सबमरीन केबल्स की मदद से समंदर के अंदर से इन ऑप्टिक फाइबर केबल को लाया जाता है, और उससे इंटरनेट का एक्सेस हम सभी को मिलता है। लेकिन इलॉन मस्क इस पूरी चीज़ को रिवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं उनके नए प्लान के साथ, और उनके इस इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस की मदद से वो सैटेलाइट से पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ आइडिया नहीं है, उन्होंने एग्जीक्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। स्पेसएक्स ने ऑलरेडी 2000 स्टारलिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च कर दिए हैं, ताकि वो पूरी दुनिया को स्पेस से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सके। स्पेसएक्स के इस डेवलपमेंट के चलते FCC, दैट इज फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, जो कि US गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन एजेंसी है, उन्होंने स्पेसएक्स को $886 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अमेजन का ये आरोप है कि स्पेसएक्स के कई सारे स्पेसिफिकेशंस FCC के रेगुलेशंस के अनुसार नहीं है, और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को नहीं देना चाहिए। हालांकि ये केस अभी चल रही है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और इसीलिए इलॉन मस्क ने ये कहा है कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने कंपनी से रिटायरमेंट ली है, ताकि वो फुल टाइम स्पेसएक्स पर लॉसूट फाइल करते रहे। इलॉन मस्क यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि लॉबी करके और लॉयर्स की मदद से अगर कोई ऑर्बिट जा पाता, तो इलॉन मस्क अभी तक प्लूटो जा चुके होते। और एक इंटरव्यू में जेफ बेजोस के बारे में पूछने के बाद तो इलॉन मस्क ने ये तक कह दिया कि जेफ हु? You're competing with the likes of Jeff Bezos in Jeff who? साथ ही ये भी कह दिया कि इतना ही टाइम अगर जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन को डेवलप करने पर लगाते, तो शायद अब तक वो ऑर्बिट में पहुंच चुके होते।
और उनका ये ट्वीट कांट गेट इट अप भी उसी के लिए था, क्योंकि ब्लू ओरिजिन का एक भी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट अभी तक ऑर्बिट में नहीं जा पाया है। इस पर अमेज़न ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि रूल्स इलॉन मस्क के लिए नहीं होते, रूल्स सिर्फ आम जनता के लिए और बाकी लोगों के लिए होते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि इलॉन मस्क डर रहे हैं तो बस छोटी सी कंपटीशन से। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर ब्लू ओरिजिन पर ये आरोप लगाया है कि ब्लू ओरिजिन स्पेसेस के कुछ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को डबल सैलरी देकर हायर कर रहे हैं और वो उनके हिसाब से सही नहीं है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, और कंक्लूजन में हमें क्लियरली ये दिखता है कि इलॉन मस्क जेफ बेजोस के बहुत आगे निकल चुके हैं। तो स्पेस के इस रेस में इलॉन मस्क ने बाकी कंपटीटर्स को लाइट ईयर से पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज देखते हुए सभी को पता चल गया है कि ये कोई बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए बाकी बिलियनर्स भी अब इस पर फोकस करना शुरू कर रहे हैं। एप्पल के कोफाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने भी रिसेंटली कहा है कि वो स्पेस कंपनी शुरू करना चाहते हैं, और जेफ बेजोस ने भी यहाँ पर अमेज़न से रिटायरमेंट ली है ताकि वो फिलैंथ्रोपी और ब्लू ओरिजिन पर फुल टाइम फोकस कर सके। तो जिससे एक ही चीज़ पता चलती है कि ये जो फाइट है और कंपटीशन है, ये दिन ब दिन और भी इंटेंस होने वाली है। बस दुख की बात ये है कि इस पूरी कंपटीशन में कोई भी इंडियन एंटरप्रेन्योर या इंडियन कंपनी नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन फाइट कर रहे हैं। 100-120 साल पहले ऐसे ही दुनिया के टॉप टू रिचेस्ट पर्सन में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, और वो बिलियनियर्स थे जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रयू कार्नेगी। जॉन डी रॉकफेलर उस टाइम दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे और उनके पास ऑयल की पूरी मोनोपोली थी। वही एंड्रयू कार्नेगी स्टील किंग थे, उनके पास स्टील की मोनोपोली थी। लेकिन उनकी ये फाइट सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं रही, उनकी ये फाइट फिलैंथ्रोपी में भी कंटिन्यू रही। तो जब मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने $10 मिलियन डोनेट किए, तो जॉन डी रॉकफेलर ने कहा $10 मिलियन लेट मी डोनेट $12 मिलियन। तो इस तरह का ये घमासान युद्ध चला जो कि बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि फिलैंथ्रोपी तक भी चला। और इस पूरी चीज का फायदा अमेरिकन्स को हुआ, क्योंकि अमेरिका में आज भी कई सारे हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज वो हैं जो मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर और मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने बनाई है उस फाइट के दौरान। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बात है जो काफ़ी निराशाजनक है कि इस पूरे कंपटीशन में इंडिया का कोई भी टॉप बिजनेसमैन या फिर कोई भी टॉप कंपनी नहीं है। इस केस स्टडी में कई सारी जो बातें हमने की है वो काफ़ी चौंका देने वाली है, और ये चीज़ अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो वो भी बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो ज़रूर इस केस स्टडी को उनके साथ शेयर करके उन्हें चौंका दीजिए।